हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 19 मई से पैसा ही पैसा। 19 मई से ऐसा क्या होने वाला है जिससे पैसा ही पैसा होगा? क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि पैसा हो, पैसे की कमी ना हो। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आज के समय में एक होड़ सी लगी है फिट होने की। ये अच्छी बात है कि हम फिट होना चाहते हैं, परंतु कई बार हम गलत रास्ते भी अपनाते हैं। परंतु यदि हम शुक्र जैसे ग्रह को समझ लें, क्योंकि अब शुक्र का परिवर्तन होने वाला है 19 मई 2024 को। 19 मई बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 19 मई को शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और जब कोई ग्रह अपनी राशि पर गोचर करता है, उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, उसका लाभ भी हम उठा सकते हैं। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शुक्र आपके धन के ही अधिपति हैं और इस समय आपके भाग्य में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से इस समय शुक्र का ये जो परिवर्तन है काफी लाभदायक होगा। परंतु हम जानेंगे कि क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने पर। उससे पहले हम जान लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात। प्रिय दर्शकों, ये जीवन जो है ना, हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है, परंतु कई बार हम कन्फ्यूजन में होते हैं। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो देख के, जैसे आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये गोचर के आधार पे है। परंतु आप जब अपनी जन्म कुंडली नहीं देखते हैं तो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं तो जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ये सटीक हो, सही हो, क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थितियां हैं, कैसी ग्रह स्थितियां हैं और दशाएं कैसी चल रही हैं, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी देखने के बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। बिना अपनी प्रश्न जन्म कुंडली देखे या विश्लेषण किए कोई भी निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। और जब हम कन्फ्यूजन में आते हैं तो अक्सर मैं देखा करता हूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अपनी नाम राशि के अनुसार देखते हैं कि कैसी है, क्या स्थिति है, या जन्म राशि या लग्न राशि, तो आपने देख तो लिया, पता चला कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं शुक्र की, तो यहां पर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के साथ भी युति होगी, तो इससे वैभव योग और गुरु घंटाल योग का भी निर्माण होगा, जो कि गुरु घंटाल योग कलयुग में काफी लाभदायक सिद्ध हुआ करता है। कई बार कई लोगों के जीवन में ये योग बहुत लाभ दिया करता है, जो कि इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर कई स्थितियों में लाभ भी देता है। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए आपको हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले, चाहे आप मेरी वीडियो देखते हो या अन्य कोई भी वीडियो देखते हो, तो अक्सर जो वीडियो आप देखते हैं गोचर के आधार पे, जैसे मैंने बताया, मैं दोहरा रहा हूँ बार बार, क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है और आपके जीवन में समस्याएं भी क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि जब आपने सुना कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपने काम शुरू कर दिया और आपने अपनी जन्म कुंडली चेक नहीं की, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। अब कहेंगे कि अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि यदि हमें गोचर नहीं देखना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ नहीं प्रिय दर्शकों, गोचर हो या आपकी पर्सनल जन्म कुंडली हो, उतनी ही महत्वपूर्ण है दोनों, जितना आपका ये शरीर और आपकी ये सांसें। क्योंकि बिना सांसों के, बिना इस श्वास के आपका ये शरीर कोई मतलब का नहीं, और बिना शरीर के इस श्वास भी कोई मतलब के नहीं। इसीलिए दोनों का एक साथ होना
बेहद जरूरी है। तो फिर इसको आपके जीवन में ये ग्रह खासकर शुक्र अब क्या लाभ देंगे, क्या सावधानी रखनी है, ये सब समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो रुके हुए हों, इस समय भाग्य का साथ मिलने की वजह से काम बन सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कर्म करने होंगे, प्रयास करना होगा। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, अब रुका हुआ का मतलब ऐसा नहीं कि आपने घर बनाना शुरू किया और वो रुक गया है, तो बस इसी को आप कह सकते हैं कि भाई रुक गया, चलो प्रयास करते हैं। नहीं, जैसे आप व्यापारी हैं या आप जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, संभव है आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार ना चल रहा हो पर भाग का साथ मिले व्यापार बढ़ने लगे। आप जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, भाग का साथ मिले आपको प्रमोशन मिल जाए। आप कोई काम कर रहे हैं, वो अधूरा रह गया, उसे आप चाहते थे कि पूरा हो जाए, नहीं हुआ, पर अब हो सकता है। तो जब भाग्य का साथ मिलता है तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, कर्म। लोग यही कंफ्यूजन सबसे बड़ा हुआ करता है लोगों के जीवन में कि जब भाग्य का साथ मिलता है तो आप कर्म नहीं करते, और जब कर्म का साथ मिलता है यानी कि कर्म करते हैं तो भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इसीलिए ये समय है प्रिय दर्शकों कि आप अपने कर्मों को बेहतर करें, क्योंकि भाग्य भी आपको साथ देने वाला है। तो जब दोनों आपके साथ होंगे तो आपके काम बन सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। आपके पिता के जीवन में सुखों में वृद्धि, या आपके पिता और आपके बीच में कुछ मनभेद था तो वो दूर हो सकता है, और आपके घर परिवार में इस समय खुशी का माहौल देखने को मिल सकता है। इसमें आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि मुझे घर में ज़्यादा समय देना चाहिए ना कि बाहर, क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने घर को टाइम ही नहीं देते हैं, घर के परिवार के सदस्यों को टाइम नहीं देते हैं। और यही कारण हुआ करता कई बार जीवन में परिवार में एक अनबन की स्थिति, कलह का माहौल, पर यह समय होगा जिसमें यह समस्या दूर होगी। और प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये अब आई है तो मैं कह दूं, क्योंकि लोग जानते हैं पर मानते नहीं हैं। मेरे पास बहुत सारी कुंडली विश्लेषण के लिए जब आया करती हैं तो इसमें भी कोई देखा जाए कि ऐसा नहीं है कि यदि 10 कुंडली आई हैं तो उसमें से ये सवाल नहीं होगा। जरूर ये सवाल होता है, 10 में से जरूर कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें ये सवाल भी होता है। तो जीवन में ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा कमा लें तो सुखी हो जाएंगे, या आप बिल्कुल काम ना करें घर में बैठे रहें तो सुखी हो जाएंगे। ये जो जीवन है प्रिय दर्शकों, इस जीवन को बैलेंस करके चलना ही सुख है। इस जीवन में आपको पैसा भी कमाना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, अपनों का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है, यानी कि सभी का बैलेंस। ये जो गृहस्थ आश्रम है प्रिय दर्शकों, यदि आप विवाहित हैं तो आप एक गृहस्थ आश्रम में हैं, और गृहस्थ आश्रम में होने का मतलब है बाकी जो आश्रम है उनको भी चलाना। तो जब हमें सभी को चलाना है तो उससे पहले हमें खुद को चलाना होगा, और यही सबसे बड़ी गलती हुआ करती है। और फिर हम ढूंढते हैं कि हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारे घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ है, हमारे जीवन में हम ये नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसलिए जितनी भी जीवन में सफलताएं हों या विफलताएं हों उनका कारण कोई एक नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है
बैलेंस ना बनाना। कुछ लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं पैसे का कमाने में, तो बस पैसे ही कमाते रहते हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बस टाइम पास करना है, तो वो करते रहते हैं। जिसने अपने समय को बर्बाद किया है, समय उसको भी बर्बाद कर देता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और यदि मेरी बातें सही लग रही हों तो आप बता भी सकते कमेंट के द्वारा। और संभव है कुछ लोगों को ये जो मैं बातें बता रहा हूँ तो लग रहा होगा कि, और मैं एक दो बार कमेंट भी पढ़ा था, कि आप सीधी सीधी बातें, दो मिनट की बातें क्यों आप पाँच मिनट दस मिनट खींचते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये जो चिंतामणि ज्योतिष का परिवार है, ये मेरा परिवार है, ना कि सब्सक्राइबर है खाली। तो जब मेरे मन में कोई बातें आती हैं तो मैं ग्रह दशाओं स्थितियों को छोड़ के और वो बातें कह देता, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य हुआ करता है कि यदि मुझसे कोई जुड़ा हुआ है और मेरे परिवार का सदस्य है, तो जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मेरा अनुभव है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ। और संभव है कि उससे कुछ लोगों को लाभ, मैं मानता हूँ कि सभी को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो सभी लोग सुनेंगे और ना सभी लोग उसे अप्लाई करेंगे। पर जो लोग सुनेंगे और अप्लाई करेंगे, तो संभव है कि कुछ लोगों को लाभ मिल जाए। यदि मैं कहता हूँ कि लगभग ये 1 लाख का परिवार होने वाला है, 1000 कुछ कम है लोग, तो यदि 99,000 में से मैं कहता हूँ कि 9 लोग, 9 नहीं, मैं कहता हूँ चलो 1 का भी कुछ अच्छा हो गया, तो ये जो समय मैंने दिया वीडियो बनाने में या आप लोगों ने सुना, तो ये सभी जो व्यय हुआ है समय, वो सार्थक हो जाएगा यदि एक भी व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन आप करने वाले हैं यदि अपने जीवन में, तो कमेंट में बताइएगा कि सभी चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, ना कि बस एक चीज़ में फोकस हो जाइए, तभी जीवन बेहतर हो सकता है। ग्रह स्थितियाँ तो ठीक है, हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर ये बात भी तो हमें समझना होगा। और तो ये सावधानियां ही थी और कुछ लाभ थे प्रिय दर्शकों। और कहा जाए कि ये कन्या राशि लग्न वालों के लिए ये जो परिवर्तन है बहुत लाभदायक है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोई सावधानियां नहीं बताना चाहूँगा, बस ये मैं कहना चाहूँगा कि उपाय आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी भगवान की आराधना करने से जीवन में कुछ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। तो आप अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं, या तो ना पता हो तो अपने माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में और भी बेहतर हो सकेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो मैंने बातें कही तो क्या ठीक है, कैसा है, जो भी आपका कहना हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे मुझे भी मालूम पड़े क्या है क्या नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ तो बस मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ या आप लोगों को कुछ ठीक लगता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।